हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं, कैसे हैं? आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारी स्टोरी, प्रेरणादायक कहानी है, 4 रुपए का हिसाब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू। एक बादशाह संध्या के समय वेश बदल कर घूमने निकले। उनके साथ कुछ सिपाही थे जो दूर रहकर उनकी रक्षा करते थे। एक स्थान पर एक इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूर कतार में मजदूरी लेने के लिए खड़े थे। एक मजदूर ने अपनी मजदूरी ली, जेब में रखी और गुनगुनाता हुआ चला। बादशाह ने उसे रोक लिया, पूछा, मुझसे कुछ बातें करोगे? क्यों नहीं, मजदूर रुककर बोला। कहो, क्या कहना चाहते हो? आओ उधर पेड़ के नीचे बैठ जाएं, मैं तुम्हारा अधिक समय न लूंगा। मुझे मालूम है पूरा दिन करके तुम थक चुके होंगे, बस थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बातें करो। ऐसी कोई बात नहीं, मजदूर हंसकर बोला, मैं अभी 8 घंटे और काम कर सकता हूँ। दोनों पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तुम्हें जो मजदूरी मिलती है क्यों, क्या वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है? बादशाह ने पूछा। हाँ काफ़ी है, मजदूर ने कहा। कितना कमा लेते हो? 4 रुपये प्रतिदिन। उन्हें खर्च कैसे करते हो? मजदूर हंस कर बोला, बड़ी आसानी से खर्च करता हूँ। सीधा हिसाब, 1 रुपये मैं खाता हूँ, 1 रुपये कर्ज देता हूँ, 1 रुपये कर्ज लौटाता हूँ और 1 रुपये फेंक देता हूँ। ये सीधा हिसाब है। बादशाह उलझ कर बोले, मेरी समझ में कुछ आया नहीं। मजदूर ठठक कर हंस पड़ा, बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, बस पहेलियों में बात करने का शौक है। सो बात बना दी। पहली है तो पहले का जवाब बता दो, बादशाह ने आग्रह किया। मजदूर ने स्पष्टीकरण किया, 1 रुपये खाता हूँ अर्थात अपने परिवार के भोजन के लिए खर्च करता हूँ, 1 रुपये कर्ज देता हूँ अर्थात अपने बच्चों पर खर्चा करता हूँ ताकि वृद्धावस्था में वो हमारा ख्याल रखें, 1 रुपये कर्ज लौटाता हूँ अर्थात अपने बूढ़े माता पिता पर खर्च करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, 1 रुपये फेंक देता हूँ अर्थात दान कर देता हूँ। बादशाह मजदूर की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए, बोले, तुमने अभी जो मुझे बात बताई और वो और किसी को ना बताना, कोई पूछेगा तो अवश्य बताऊंगा। मजदूर हंसकर बोला, इसमें छिपाने की क्या बात है? तुम कोई हमारे बादशाह हो कि तुमने आज्ञा दी और मैं मानूं? हाँ, हम बादशाह ही हैं। बादशाह ने अपना पर्चा कराया, हम दरबार में ये पहेली पेश करेंगे और फिर देखेंगे कौन इस पहेली को सुलझाता है। थोड़ा आनंद ले, ये लो, ये असरफिया रखो, तुम्हारा इनाम है। मजदूर घबराकर खड़ा हो गया, बोला, इनाम की ज़रूरत नहीं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। यह असरफिया तुम्हारी अकलमंदी का इनाम है। अब तुम हमसे वादा करो कि तुम जब तक 100 बार हमारा चेहरा नहीं देख लोगे, किसी को पहेली का हल नहीं बताओगे। मजदूर ने इनाम लेकर वादा कर लिया। दूसरे रोज बादशाह ने दरबार में पहेली पेश की। एक मजदूर है, उसे प्रतिदिन 4 रुपये मजदूरी मिलती हैं। इनमें 1 रुपये वो खाता है, 1 कर्ज देता है, 1 कर्ज चुकाता है और 1 रुपये फेंक देता है। बताओ कि ये 4 रुपये कैसे और कहाँ खर्च किए जाते हैं? दरबार में मौन छा गया। बादशाह बहुत निराश हुए, कहा, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे दरबार में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। हम कल तक का समय देते हैं, हमें पहले का हल चाहिए। एक मंत्री बहुत होशियार था, उसने बादशाह के सुरक्षा कर्मियों से मिलकर पता लगाया कि बीते दिनों में बादशाह कहाँ कहाँ गए थे। उसने न केवल मजदूर को तलाश कर लिया बल्कि पहले का हल भी जान लिया। दूसरे दिन मंत्री ने दरबार में पहले का हल पेश कर दिया। बादशाह के क्रोध की सीमा न रही, उन्होंने सिपाही भेजकर मजदूर को पकड़कर बुलवाया, पूछा, तुमने इन्हें पहले का हल बताया है? जी हाँ बताया है, मजदूर ने स्वीकार किया। हमने वादा लिया था कि किसी को हल नहीं बताओगे, तुमने वादा क्यों तोड़ा? बादशाह क्रोधित होकर बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने कहा था कि जब तक 100 बार आपका चेहरा ना देख लूँ, किसी को पहेली का उत्तर ना बताऊँ, तो मैंने 100 बार आपका चेहरा देखा और वजीर जी को उत्तर बता दिया। क्या कहते हो, तुमने हमारा चेहरा कहाँ देखा? उस दिन के बाद आज अभी तुम मेरे सामने आए हो। मजदूर ने भयभीत हुए बिना कहा, जहाँ पना, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। आपके मंत्री मुझ तक पहुँचे, 10 असरफियाँ मेरे सामने रखी और पहले का उत्तर मांगा। मैंने इनकार कर दिया। फिर मैंने पहले का उत्तर बताने से इनकार कर दिया। फिर
यह 10-10 असरफियाँ बढ़ाते गए। जब 100 असरफियाँ मेरे सामने आ गईं तो मैंने उत्तर बता दिया। 100 असरफियाँ लेकर तुमने वादा तोड़ दिया, बादशाह ने गुस्से से कहा। यही है तुम्हारा वादा? नहीं, मैंने बेईमानी नहीं की असरफियों का। असरफियों पर आपका चेहरा है, 100 बार आपका चेहरा देखा। फिर उत्तर बताया, ये वादा तोड़ना तो नहीं हुआ जा पाना। मंजू ने कहा। बादशाह चकित रह गए, उन्होंने तो ये बात सोची ही नहीं थी। मंजू ने अपनी बुद्धि के बल पर 100 असरफियाँ और कमा ली थी। बादशाह ने मुक्त हृदय से मजदूर की प्रशंसा की तथा उसे अपने दरबार में रख लिया। तो ये थी मेरी प्यारी सी स्टोरी, आपको इसे जरूर एक सीख मिली होगी। और प्लीज़ थोड़ा सा लाइक करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू दोस्तों।